Yes, it be play. Ayore, ayore, ayo, joke studio. With Kanak Singh. Kanak Singh ki private police. अभी बहुत जोरदार घटना अपने जीवन के अंदर घटित हो गई. मैं अखबार पढ़ रहा था. अखबार के अंदर एक विज्ञापन अपने देखा कि मर्सिडीज बिकाऊ है 100 रुपए में. अब तुरंत लगायो फोन, बट एक मैडम फोन उठाए. मेरे को सही बात है कही, 100 रुपए में मर्सिडीज है कही, खिलौना वाली तो नहीं है? बोले नहीं, ओरिजिनल है भाई साहब. वाह साहब, अपन घर गए उनके, बट एक संभ्रांत महिला का माड़ खोलियो. मेरे को नमस्कार, 100 रुपए में मर्सिडीज आप बेच रहे हो? बोले हाँ मैं बेच रही हूँ. मेरे को दिखाओ देखा कैसी कार है मर्सिडीज. वाह साहब, उनके गैराज में गए, खड़ा रड़ करके उन्होंने शटर उठाया. अरे साहब देखा तो अंदर तो नई चकाचक. मेरे को मैडम ये तो नई मर्सिडीज है? बोले हाँ. अरे भाई साहब, उन मैडम ने पेपर कागजात वागजात सब साइन करके मेरे को हाथ में चाबी दे दी. मैं चाबी लेने निकलियो पर मेरा मन नहीं मानी. मैं बोले मैडम मेरे को जीवन भर नींद नहीं आएगी, टेंशन रहेगी, बताओ आप 100 रुपए में मर्सिडीज तिस्तर बेच रहे हो? बोले किसी को बताना मत. मेरे स्वर्गीय पति की आखिरी इच्छा थी इस मर्सिडीज को बेच के जो भी पैसा मिले वो उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी को दे दिया जाए. ओ थारे, आपने घनी थमा जाई. बीबियों की जलन जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. अबार चालू में अबार निकलू देखा है. With Kanak Singh, only on Radio City. Radio City pe ayo re joke studio. With Kanak Singh. Kanak Singh ki private police. I was myself on my ghosting. तो अपने पपुड़े का एक कजिन है घनसू. तो घनसू अपने घर के अंदर बाथरूम में कपड़े धो रहा था. मैं क्या बेटा घनसू, तूने तो यह बेटा काम वाली बाई रखी थी, कपड़े तू क्यों धो रहा है? बोला कड़क उठता है तो उस काम वाली बाई से मैंने शादी कर ली. गजब हालत वही है. मेरा पपूड़िया आप जानते हो खास दोस्त है, उसे घर में एक दिन चकाचक सफाई पपूड़िया देख के चकित हो गया. उसके बच्चे से पूछा कि बेटा आज सफाई कैसे हो गई इतनी? क्यों पापा व्हाट्सएप नहीं चाल रहे हो? मम्मी रो फोन रो चार्जर नहीं मिल रहे हो? तो चार्जर हो द्वार चक्कर में पूरा घर साफ सफाई भेजी. और आजकल लुगाया रो वना रे पति रे अगर तारीफ करनी हो तो नए हो बिल्कुल तरीको निकाले होना, बिल्कुल अब लेटेस्ट है भाई साहब. हमारे इनको तो भजन वजन गाने का भी बिल्कुल भी शौक नहीं है. अबार चालू में अबार निकलू देखा है. Studio. With Kanak Singh, only on Radio City. Radio City pe ayo re ayo joke studio. With Kanak Singh. Kanak Singh ki private police. Navratri hari taiyar hai, sab jagah chal rahi hai apne apne hisab. Last year my experience was not good. अरे भाई साहब, मारे माता पे 3-4 अंडा निकल गया. अब क्या बताओ आपने के मुंह कटे डंडो मारो न हामे वालों कटे डंडा मारे. मारो डंडो जाए वटीने और हामे वाला डंडो लागे मारे माथा पे. ओहो उस्ताद, मारे तो खोपड़ी खुल गई. खैर अपन ने उस घटना से सबक लिया और अब अपन इस नवरात्रि के अंदर हेलमेट लगा के जाने वाले हैं. आपको भी कड़क सिंह का एक सुझाव है, डांडिया के अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ज्यादा कातिल निगाहों की तरफ डांडिया खेलते वक्त नहीं देखना. ध्यान रखो कहाँ आ रहे हैं डंडे, नहीं तो माथे पे निकल जाएंगे अंडे. अबार चालू में अबार निकलू देखा है. With Kanak Singh, only on Radio City. Radio City pe ayo re ayo joke studio. With Kanak Singh. Kanak Singh ki private police. सब तरफ अपने अपने हिसाब से भक्ति का माहौल चल रहा है भाई साहब. जय माता दी. अपन भी जा के 9 दिन के नवरात्रि का व्रत रखते हैं. और सबसे बड़ी बात के इन नवरात्रि के 9 दिनों में मैं डेली हाँपड़ता मतलब स्नान करता हूँ. भक्ति भावना करने बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए भाई साहब. भजन कीर्तन भी करना चाहिए क्योंकि भाई साहब रिसेंट घटनाओं से अपने को ये निचोड़ निकल आया अपन ने के भजन करवाऊँ भगवान मिले नहीं मिले
लेकिन रिजल्ट हमेशा अच्छे रहे भजन गायकारो। देखा जल लोटा, अरे मतलब कि जल का लोटा इधर लाना, देखा पूजा का टाइम भेजो हमारे। तबार में बार चालू में बार निकलू देखा है। विद कड़क सिंह ओनली ऑन विद कड़क सिंह। कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस। अपन जैसे कि डेली गश्तिंग करते हैं तो मेरे एक ध्यान में चीज आई है कि जैसे ये त्योहार वगैरह चालू होते हैं और लाइट की यार कटिंग चालू हो जाती है अपने हिसाब, मेरे को एक चीज याद आ रही है। मार साहब पूछ रहे थे पप्पूड़िया के बच्चे से कि बता उम्र क्यों नहीं करके लाया। बच्चे बोले सर लाइटें नहीं थी। मार साहब बोले लाइटें नहीं थी मोमबत्ती जला देता बेवकूफ। बोले कि साहब मोमबत्ती तो पूजा घर में थी। अरे तो पूजा घर में से ले लेता रे। अरे सर स्नान नहीं किया था इसलिए पूजा घर में नहीं किया। स्नान क्यों नहीं किया गधे? ओकम टंकी खाली थी। टंकी क्यों खाली थी? ओकम पानी नहीं चढ़ा था। पानी क्यों नहीं चढ़ा था? कि मोटर नहीं चली थी ओकम। मार साहब गुस्से, अरे मोटर क्यों नहीं चलाई? अरे हुकम मैं आपने शुरू कह रही हूँ कि लाइटें नहीं थी। ओहो मार साहब री हालत, मार साहब जाने ऐसे स्टूडेंट हो तो बेड़ा पार है। ए दूर दूर तबार में बार चालू में बार निकलू देखा है। विद कड़क सिंह ओनली ऑन विद कड़क सिंह। कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस। एशिया कप जीतने पर पूरी अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम को भाभीनी बधाई है कड़क सिंह की तरफ से, और मैं खुद वर्बली रूप से ट्वीट भी करता हूँ। और अभी तो भाई साहब अपना वेस्ट इंडीज से चल रहा है टेस्ट मैच। अरे भाई यो तो ठीक है कि वेस्ट इंडीज से आते जो मैच भी रहे हो वो दन दन में भी रहो, मतलब डे नाइट मैच नहीं है, दिन के अंदर ही खेला जाएगा। बाकी रात मैच हुए तो खाली वना खिलाड़ी रे दांत दिखे हो कम, खिलाड़ी तो दिखे कोई नहीं। क्रिकेट बहुत लोगों रो भलो भी हो, बहुत लोगों ने रोजगार मिले हो, व्यापार बढ़ियो। आप पूछोगा किस तरह बढ़ियो भाई व्यापार? जब जब अपने भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है, भारत जीता है, पाकिस्तान में दे बच्चा कहते बच्चा टीवी तोड़ी है, वहाँ पे टीवी की बिक्री चालू हुई नहीं हुई ज्यादा, तो रोजगार बढ़ियो के भाई साहब। तबार में बार चालू में बार निकलू देखा है। विद कड़क सिंह ओनली ऑन विद कड़क सिंह। कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस। श्राद्ध रो सीजन चल रहे अबार, सब जना अपने अपने हिस्सा हूँ श्राद्ध का कार्यक्रम कर रहे है। अरे मैं भी लोग बाग जुगाड़ निकाल लेता भाई साहब, कोई कौवा ने पकड़ने ले रहा है, 100-100 रुपए में खानो खवाई रहा है, राम जाने कई रहा कई चंडे मर्जी है, वंडे हिसाब लूट मार चल रही है। वहाँ साहब हमारे घर में भी श्राद्ध का कार्यक्रम था, खीर पुड़िया बनी। पंडित जी को अपन ने बुलाया पूजा के लिए। पंडित जी मैंने क्यों कि फल भोजन कपड़े कोई भी चीज आप श्राद्ध में दोगे तो वो आपके पूर्वजों तक पहुँच जाएगी। मैं कहो वाह ठीक है पंडित जी, ऐसी बात है जो मोबाइल मारा पूर्वजों ने दे दीजो आपने डायरेक्ट बात भेज जाएगा। पंडित जी कई खबर कई भी हो वरना दक्षिणा लेने रवाना भेजा। तबार में बार चालू में बार निकलू देखा है। विद कड़क सिंह ओनली ऑन विद कड़क सिंह। कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस। जीवन में घनी तकलीफ हो कम, अबे उम्र वो दौर चल रहा होगा खबर नहीं पड़ रही है। प्राणायाम कई कहो ना, प्राणायाम ही कहा के हारमोनियम ही कहा अबे। अरे पपुड़िया गण दुखी है, अरे उसकी लुगाई उसको सोने भी नहीं देती। ओ बोले अरे उठो उठो चाय बना रही, उठो उठो चाय बना रही हूँ। पपुड़िया बोले अरे चाय बना रही तो मैं कर सो भगोनी में उठता हूँ यार।
सामाजिक दायित्व के कारण में कह रहा हूँ चीज के एक रूल बना देना चाहिए प्राइवेट रूल के भाई। अबे झंडे पास भी हारमोनियम मिलेगा 60 ऊपर है वो सीनियर सिटीजन की काउंटिंग में नहीं आएगा भाई। बहुत ज्यादा रिलेटेड बात नहीं फिर भी क्यों कमाल रो हौसलो दे दो भगवान शादीशुदा लोगों ने। बीबी कहवे कि भाड़ में जाओ तो ऑफिस पर हो जावे और ऑफिस में बॉस कहवे झन्नू में जाओ तो बापड़ो घरे ही जाओ। वो बात चालू मैं बाहर निकलू देखा है विद कड़क सिंह ओनली ऑन रेडियो सिटी।